चाह तो बेशुमार हो जाओ वरना खज्जल ख्वार हो जाओ। बिजली होनी है और भी महंगी, तो अभी से तैयार हो जाओ। गर्मी है तड़पा रही फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसा लग रहा हूँ आज मैं? कुड़ियां वाली दुकान दे मालक लग रहे हो। ये चीज ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਬਸ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਅਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। पायलट नूं कह रहे मेरे नाल पाकिस्तान चल, तैनूं मैं न्यू खान दा ड्राइवर लवा दिंदा। ऑस्ट्रेलिया इक बंदे नूं पुछी जांदे भाई इत्थे पकौड़े वाली दुकान कित्थे। मैं पूछा, मैं ऑस्ट्रेलिया की लैण गए, कहिंदा इक बंदा मैनूं कहिंदा ऑस्ट्रेलियन तोते नाल तेरी शक्ल मिलदी, मैं वेखण गया। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम और अब पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं, जनाब तौकीर नासिर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन डिजाइनिंग के बाद अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा केशा सिद्दीकी। बड़ी खुशी हो रही है, कीशा सिद्दीकी साहब तशरीफ लाई हैं। बड़ी प्यारी हैं सर। ऐसा ही और है। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ। अच्छा। भाईजान के लिए। मेरे फेवरेट हैं सर। जी सर। बहुत कम अदाकार होते हैं ऐसे कि आवाज़ो अंदाज तौकीर बन जाए जिनकी। सो आज आपके सामने जलवागर हो गए हैं बिलाखिर हमारे तुम्हारे सभी के प्यारे तौकीर नासिर। मेरा शेर ठाकर साहब लिए जी, के पिंड मुकदे ने शहर नहीं मुकदे, ते गोए भन्निया वैर नहीं मुकदे, ते सप्पां विचों मुक जांदे ने, हाय हाय, सप्पां विचों मुक जांदे ने, बंदियां विचों जहर नहीं मुकदे। वो मेरे दिल में समाया है, पता नहीं उसने मुझे इतना क्यों सताया है। एक बात मुझे सच बता दें तौकीर भाई, फरूट लेकर कभी शापर डबल करवाया है? इस सवाल का जवाब देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सवाल नहीं है, ये तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसा पहले इस प्रोग्राम में आप आए थे और आज आप बहुत अरसे बाद आए हैं, ये तो आप एक तो पहले ये बताइए कि आप इतना नजर क्यों नहीं आते हमें? है कम नजर आना चाहिए ना, मगर क्यों सर? कभी कभी नजर आना, झरोके से नजर आते हैं। मगर सर अब तो जमाना इतना, हर बंदा हर वक्त नजर आना चाहता है, पीपल आर सीकिंग अटेंशन ऑल द टाइम। वो टाइम था 80s की पूरी दहाई, पूरा डेकेड, 90s की पूरी डेकेड, दो दहाइयां जो है लोगों को भी सोने नहीं देते थे और खुद भी नहीं सोते थे, दिन रात पीटीवी करता चलता था। अब जो सूरत हाल है, 2002 के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न के जो क्रेडिट्स हैं वो अपनी जगह पे है, वो हम जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे जैसे बहुत से लोग जिन्होंने पूरी पूरी लाइफ को डेडिकेट किया टूवर्ड्स पाकिस्तान टेलीविज़न। 2002 के बाद जब चैनल्स की भरमार हुई तो रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी का भी बड़ा बड़ा रोल अदा किया और ख़ास तौर पर ड्रामे के ज़रिए। प्राइवेट चैनल्स आ गए, इतने मशरूम ग्रोथ है। अब 150 चैनल और एक चैनल जो सारा काम कर रहा था, एंटरटेन भी कर रहा था, एजुकेट भी कर रहा था और इंफॉर्मेशन भी दे रहा था, अब वो चीज़ें थोड़ी
क्रिएटिविटी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। मैं समझता हूँ ये हमारे सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि किसी बहाने लोगों को हंसाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। इस माशरे की इस मिजरी और सारी सूरत हाल के बावजूद ये जो मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, इनका बहुत बड़ा काम है। और आर्टिस्ट का बेसिकली काम जो है वो यही है। वो आर्टिस्ट सिर्फ फेम के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं होता, ये गिफ्टेड है और ये इंसानों को रोशनी का रास्ता दिखाने वाले हैं। ये जुगनू है। क्या बात जी। और ए जुगनू जिस घर जावे उन्हां दा मीटर कटिया जांदा। ऐसे ना करो यार। केशा क्या सोच रही होंगी कि तुमने आते ही किस किस्म का इमेजरी खींच ली है उनकी? जितनी हाइट है नीमा नहीं सोचते। केशा कितनी हाइट है आपकी? 5'11" इनसे ये पूछें आजकल आप किस मंजिल पे रह रही हैं? किस मंजिल पे रह रही हैं? मेरी मंजिल स्टॉप हो गई है। मगर 5'11" तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हाइट है और आपने हील्स भी पहनी हुई हैं। विदाउट हील्स 5'11" विदाउट हील्स 5'11" और ये हील आपकी इस वक्त कितने की होगी? यानी कि इस वक्त आप 6'2" पे फ्लाई कर रही हैं। तो वहां से 6'2" से हम लोग कैसे नजर आ रहे हैं आपको? मतलब क्या आपको किसने ये आइडिया दिया था कि आप ये 3 इंच की हीले भी पहने हैं आज? मतलब कपड़े तो पूरे करने हैं ना, नहीं मगर ड्रेसअप तो पूरा करना है। कुछ और भी आपको फ्लैट्स भी पहन सकती थी, ये जो आपने एक अटेम्प्ट की है कि अब 6'3" में पहुंच के आप वहां से आई हैं। हम लोगों को आदत हो जाती है रैंप पे हील पहनने की। हम लोगों को तो हो जाती है, हमारा क्या कसूर है? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर वैसे ये बताइए कि तौकीर साहब से कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ अभी। अभी हुई है ना? जी जी अभी हुई है। सर, आपके ख्याल में आप इनको कहाँ मिल चुके हुए हैं? मैं इनको मिल चुका हूँ बिहाइंड द पैनल। अच्छा बिहाइंड द पैनल ना, वो मैं समझा कि शायद पहले भी कहीं मिल चुके हुए हैं। नहीं नहीं, मुझे सर ये बताएं कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया था टेलीविजन एक्टिंग की तरफ आने के लिए? बेसिक इंस्पिरेशन जो है ना, वो उस वक्त एंटरटेनमेंट जो थी वो फिल्म होती थी। बिल्कुल, ईद होना या नई फिल्म लगना या उस पर कजन फ्रेंड्स इकट्ठे होके फिल्म देखने का शौक था। वहीद साहब को देखा मैंने, वहीद मुराद साहब जी। और मैं समझता हूँ कि ही वॉज द बेसिक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि उनको देख के मेरा दिल चाहता था कि मैं भी स्क्रीन पे आऊँ। लेकिन उस वक्त माशरे की सूरत हाल हमारी सोसाइटी की, मुझे ड्रामे की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली, तो फिल्म की इजाज़त जो है वो बहुत दूर थी। और आप वाहिद फर्द थे अपने खानदान के जो कि इस काम में आए? जी बिल्कुल, इसके बाद भी इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। अगर क्यों इसके बाद क्यों नहीं सर? मेरे ख्याल में बस अब तो इतनी बढ़ गई इंडस्ट्री, तो मैं मजाक में कर रहा हूँ, लेकिन यार अदरवाइज अब मुझे कैसे हो गया अचानक से? घर के माहौल में भी नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था। वैसे पहला प्ले किया परवाज़, उसका नाम था, एज हीरो किया, लीडिंग रोल में, उसको लीड कहते थे, लीड अभी भी है, लीड मेजर स्पोर्ट और स्पोर्ट, ये 3 कैटेगरीज। अब लीड में क्या, मुझे कितने का चेक मिला? ओनली एंड लोनली 800 जी। अब हीरो को 800 मिल रहा है तो मेजर स्पोर्ट को और स्पोर्ट को क्या मिलता होगा उस वक्त? असल में पैसा नहीं था, पैशन था। अब अगर हम इसको ऐसे एक तरह से इसको अगर हम कूजे में बंद करते ना, पूरा जो इरा है पाकिस्तान टेलीविजन के गोल्डन इरा का जो मैं बात कर रहा हूँ, कि उसमें कितने बड़े बड़े लोगों ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें यावर आयात साहब, मोहम्मद निसार हुसैन साहब, इकबाल अंसारी साहब, अयूब खावर साहब, और राइटर्स में अशफाक साहब, बानो आपा साहिबा, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन साहिबा, यूनुस जावेद साहब, मुन्नू भाई। हमारी ये मतलब है कि ये खुशकिस्मती थी कि हमें इन लोगों के स्क्रिप्ट जो है, और फिर हमारा पहला साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही था जैसे हम किसी एकेडमी में एंटर हुए हैं। सर 80s और 90s में इंडस्ट्री में आने का क्राइटेरिया जो था वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता था, लेकिन अब सूरत हाल हमें काफ़ी डिफरेंट होती दिखाई दे रही है। अगर आपने इंडस्ट्री में आना है तो अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं, कुछ अर्से बाद हमें वो लीडिंग कैरेक्टर में नजर आते हैं, तो इसकी क्या वजह है, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी हम बात कर रहे थे ना खावर साहब से भी, अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे खावर साहब के हवाले से, या मैं यावर हयात साहब के हवाले से बात कर रहा था, या मैं बड़े राइटर्स की बात कर रहा था, वो असल में वो नहीं है। बिल्कुल, आपको अच्छा स्क्रिप्ट मिले और अच्छा डायरेक्टर मिले और पूरी टीम है, ये पूरी टीम की डेडिकेशन और उनकी कमिटमेंट, जिसको हम 80s का और 90s का जो इरा है उसको हम गोल्डन इरा कहते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो था ना,
वो आज भी है बिल्कुल, वो जो सोशल मीडिया और वो सतही है, वो सरफेस पे है। आपको मैं बताऊं कि मेरे साथ जितने जूनियर्स वैसे काम करते हैं ना, तो अक्सर ये उनका गिला है, हमें इस बात की खुशी है कि हमें आज भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं और आज भी हमें मिस करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इतना काम कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो जो आप बात कर रही थी, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बबल है, जस्ट लाइक अ बबल, यस सर, ठीक है ना। और दूसरा जो आपका 10 साल काम करते हुए हो गया, उसका भी इम्पैक्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। आप, मैं 2 डेकेड्स की बात कर रहा हूँ ना, तो 2 डेकेड्स का एक अपना इम्पैक्ट है, मेरा नहीं सिर्फ, पाकिस्तान टेलीविज़न का, उसमें बहुत से डायरेक्टर्स का, बहुत से राइटर्स का। बात लंबी हो जाती है, लेकिन आपकी बात के हवाले से कि ये है कि जो काम अच्छा होगा, जो काम पूरी डेडिकेशन के साथ होगा और उसकी स्ट्रेंथ, वैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनको पता है कि स्क्रिप्ट जब लिखा जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें, क्या कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसी तरह एक्टिंग में बहुत बेसिक चीज है कि वो है आपकी स्ट्रेंथ, यस, इम्पैक्ट ऑन द स्क्रीन। आपका ये कमाल है कि देखने वाले के हाथ से रिमोट गिर जाए या गुम हो जाए और उसको ध्यान ही ना रहे और आपको ही देखता रहे और आपके काम को इंजॉय करता रहे, दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, वो परफॉर्मेंस, उसके लिए अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा डायरेक्टर चाहिए। फिर आप देखिए कि आप रूही बानो से भी बढ़कर आगे काम कर सकती हैं, आप खालदा रियासत से भी बड़ा काम कर सकती हैं। आज क्यों नहीं है कि आज कभी खान नहीं है? मुझे 40 साल हो गए, मैं अभी तक एंग्री यंग मैन हूँ। मतलब उसके अलावा आज तक किसी ने मुझे रिप्लेस नहीं किया। बिल्कुल, दिस इज अनफॉर्चुनेट। बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे काम करने वाले भी हैं, उनका कसूर नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। और काम इतनी तेजी से होता है कि क्रिएटिविटी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती चली जाती है। जो कि कमर्शियलाइजेशन में हमेशा एक, मेरे ख्याल से एक बहुत वो राय है। हाँ, हम अभी कमर्शियलाइजेशन की भी एक ट्रांजिशनल फेज में हैं। वी हैवंट रीच, आई फील, वो लेवल ऑफ कमर्शियलाइजेशन जो मे बी वेस्ट में हो चुका हुआ है। क्योंकि वेस्टर्न कमर्शियलाइजेशन जिस स्टेज पे है, वहां पे सिर्फ बहुत कॉम्पिटिशन टफ हो चुका हुआ है। वो इतना कुछ फिल्टर हो जाता है उस कॉम्पिटिशन की टफनेस के अंदर कि आपको आखिर में जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, इवेंचुअली जो वहां पहुंचता है, वो बहुत रिफाइंड या कंपटीशन से गुजरा होता है। मुझे लगता है हमारे यहाँ अभी थोड़ा आसान है ब्रेक इन करना, जिसकी वजह से आपको वो रिफाइनरी नहीं मिल रही जो कि 6 बंदे एक ही चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं और एक उनमें से निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल ही इतना हाई है। यहाँ पे अभी 6 ट्राई कर रहे हैं तो उनमें से 3 या 4 पहुंच जाते हैं ऊपर, पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही। तो इसलिए एक मुझे ये भी लगता है कि कमर्शियलाइजेशन के भी हम पूरे उस पे नहीं है, हमें जरा एक ट्रांजिशनल फेज में अभी हैं। यू आर राइट, मेबी अब जो यंगस्टर्स हैं ना, इनका एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कि अब वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या टिकटॉक पे जा रहे हैं, वहां से पॉपुलर होके फिर वो हीरोइन भी बन गई और हीरो भी बन गया, लेकिन है सरफेस पे काम, सब रिप्लेसेबल ही उतनी जल्दी हो रहे हैं, है ना, ये लॉन्जेविटी नहीं है। अब वो जो मैं बात कर रहा था ना कि अब यंगस्टर्स क्या गिला करते हैं कि जी हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए काम करते हुए, हमें हम जाते हैं बाहर, लोग सेल्फी बनवाते हैं हमारे साथ, सेल्फी बनाते हैं और साथ ही पूछते हैं आपका नाम क्या है। बिल्कुल, अब ये नाम की रिकग्निशन इज बेसिक अर्ज है, आपकी डिजायर है, आप इसीलिए इस फील्ड में आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है, बेसिकली सारे इंसान बेसिकली अलग-अलग से फाउंटेन्स हैं, वासे के अंदर जो खूबी है वो इसी में, और इसी में रहे तो बेहतर है जी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। केशा ये बताएं, इन्होंने तो कहा कि इनको इंस्पायर किया था वहीद मुराद साहब ने, आपको इंस्पायर किस चीज ने किया था टू कम टू दिस फील्ड? मैंने आप एग्री कर रही छोड़े, मैंने क्या कर दिया आज, मैंने उधर से फायर नहीं होने देना। अच्छा, आपको पता है जो फायरिंग होती है? होता है। अच्छा, आप देखते हैं आज आपका कोई फायर नहीं होगा, ढाल बन जाऊंगा। तो नहीं तो आखिर साहब आपके इत्राम में आज सीज फायर किया हुआ इन्होंने। लेकिन मैं नकद सदीकी से पूछना चाह रहा हूँ, है कौन कैश सदीकी? प्लीज क्लियर करिए अपने नाम का, तो नाम बताइए क्या है? नकद सदीकी सर, नकद नहीं है क्या? कैश सदीकी ना, केश क्या? केशा, केशा आपका क्या मतलब था? कैशा का थोड़ा अट्रैक्टिव उन्होंने ये मतलब कौन पूछे? मुश्किल केशा ने पहुंचे अगर अट्रैक्टिव भी आ गए, इसका क्या मतलब? पुरकशिश, पुरकशिश वो तो आप हैं।
ये तो मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी कशिश जो ना वो मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ, भाईजान की तरफ थोड़ा कम देख रहा हूँ। तो एक बात पूछनी थी, जितनी आप प्यारी हैं तो मैं काफी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है मेरे बड़ों की दुआओं से। मैं अरसे में आपको जितने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है जी, या आपका दिल तोड़ा है या आपकी ऑफर को कबूल नहीं किया, वो उसको कभी कैलकुलेट किया सर? अगर करता तो डूब के मर ना जाता। कभी किसी ने आपको एक्सेप्ट भी किया? जी जी सर, दो बार गलती से उन्होंने शायद मजाकन कह दिया, मगर उन्होंने जैसे भी कहा था ये घबरा गए थे, उठ के चले गए शो से। आदि नहीं ना, तो मुझे बताएं कि मैं क्या कहूं सर के उस लड़की को मान जाए, किस तरह बात करूं, फौरन जवाब दे। बात नहीं करनी ना, आपने चुप रहना। इजहार जो है ना वो आंखों से होता है, खामोशी से होता है। इतनी खामोशी से होना चाहिए कि साथ वाले को भी ना पता लगे, हत्ता कि उसको भी ना पता लगे जिसको आप इजहार कर रहे हैं। गौरी साहब, कितना अर्सा हो गया शादी को? मेरी माशाल्लाह गए 25-26 साल। 25-26 साल हो चुके हैं तो माशाल्लाह सर, ये उस वक्त यही टेक्निक आपने आजमाई? हाँ वो तो यही, जो इजहार का पता ना चले और वो नहीं, आपने इतना पुरानी बात क्यों कर दी भाई, अभी भी वो मतलब है कि पता ही नहीं चलना चाहिए। अच्छा, पता ही नहीं चलने देते आप? असल तो यही कमाल है, अगले कोई पता नहीं चलता ना, वो 2-3 दिन बाद भूल जाता है, आपको भी पता नहीं चलता कि कुछ। वो भी आगे भूल जाता है। केशा, व्हाट इंस्पायर्ड यू? नुमान इजाज और सबा कमर। सबा कमर का मैंने बागी ड्रामा देखा था, उसके बाद मुझे एक्टिंग का शौक हुआ था। नुमान इजाज साहब का कौन सा ड्रामा देखा? मैंने उनके काफी ड्रामे देखे हुए हैं। अच्छा, मुझे ड्रामों के नाम नहीं याद रहते, हमेशा से मेरा यह मसला है, लेकिन मैंने उनके काफी ड्रामे देखे हुए हैं। सबा कमर का मुझे एक ही ड्रामा याद है, जबकि मैंने उनके भी काफी ड्रामे देखे हुए हैं। उनका बागी ड्रामा मुझे बहुत पसंद था। नुमान इजाज साहब से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी कभी कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी। मैं अभी तक फैशन इंडस्ट्री में हूँ, मैंने ड्रामा इंडस्ट्री में अभी तक शिफ्ट नहीं किया। और आपका है क्या कोई ऐसा कोई दिल है ना, मुझे करना है। मैंने मूवी की है, वो मूवी कर दी। कौन सी? थोड़ी लाइफ थोड़ी जिंदगी, खालिद किदवाई, वो अमेरिका से आए थे डायरेक्टर उनके साथ। यूके में और अमेरिका में रिलीज हुई है, पाकिस्तान में रिलीज। क्या मतलब खालिद साहब क्या अमेरिका गए तो फिल्म साथ ही लेके वापस? बकरीद हो रही है तो आपको तो फिर सर से जान पहचान रखनी चाहिए। वो रखूंगी, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है तो आपकी फिल्म उनके दस्तखत के बाद ही चलनी है पूरे पंजाब में। चेयरमैन जो ए हुंदा है, उनको ओदा हुंदा है कि साइन करन ते कोई बंदा फर्क कर देनो तो फिल्म जो अपना वाइस चेयरमैन फर्क कर दिया। और इसमें आपके साथ और कौन है फिल्म में? मेरे जो फादर रोल कर रहे हैं वो शहूद अलवी हैं, और जो मेरे साथ हीरो रोल कर रहे हैं जो लीड पे हैं वो हैं अमाद, ही इज न्यूकमर। अमाद और अमाद की हाइट भी आई एम श्योर आप जितनी तकरीबन, नहीं हाइट थोड़ी सी छोटी है। ओए होए, तो ये कैसे आपने मैनेज किया? उसके तो ज्यादा शॉट्स जो हैं स्टूल के ऊपर हुए। एक गाना ते खंभे ते चढ़ के गीता ना ते ग्रोते खंभे ते देखे को चाहिए तो चले हो गया ना। मगर अब आप और करना चाहेंगी काम? जी जी, मैं करना चाहती हूं। और कोई आपकी विश लिस्ट है बिसाइड्स नुमान इजाज एंड सबा कमर? आई थिंक आपको सबके साथ काम करना चाहिए। नहीं कोई, वो तो सबके साथ करना चाहिए, लेकिन एक इंसान की पर्सनल ख्वाहिश भी होती है ना। अभी आजकल तो वजाहत ही चल रहा है सबका। वजाहत रऊफ की बात कर रही है? नहीं नहीं, वजाहत अली की बात कर रही है। वजाहत नहीं, अच्छा मजे की बात है, वहाज अली उसका नाम है, आपने लड़का ही चेंज कर दिया। वहाज, वहाज, तो आजकल वहाज अली चल रहे हैं आजकल, वही है। तो कोई मुस्तकिल नहीं है, सीजनल होते हैं ये सारे? नहीं बदलते रहते हैं, सीजन भी चलता है सब कुछ। सीजन नहीं चल रहा है सर, ये भी देखे ना, ये भी अब कह के वो एक्टर पसंद भी सीजन के मुताबिक है यार। नहीं, जज्बात भी अब सीजनल हो गए। सीजनल हो गए? नहीं नहीं, काम की बात कर रही। नहीं नहीं, मगर वो आपने कहा कि आजकल वो है, मतलब जो एक्टर भी जो है वो एक्टर और आम में फर्क ही नहीं रहा कि अगर सीजन आया हुआ तो फिर आम ही खाएंगे हम। मगर नहीं, मैं सिर्फ काम की बात कर रही हूं कि मुझे काम अच्छा, काम की बात कर रही हूं, मुझे एक्टिंग पसंद है, वो अच्छा काम। नहीं नहीं, आवाज आजकल बड़े, फिरोज खान बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, वो भी ऑफ कोर्स वो भी अच्छी एक्टिंग करता था और अच्छा लगता है। फिरोज खान वैसे यूजुअली जाने जाते हैं वो एंग्री रोल्स करते हैं बड़ा, और उनका एक मोल्ड उस किस्म का एक इमेज भी। आजकल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में चल यही सब कुछ रहा है। अच्छा, तो ये सोचा ये जब जिस जमाने में करते थे ये तो करते ही एंग्री थे, तब तो हम थे ही नहीं ना। नहीं, मगर उस वक्त इन्होंने स्टार्ट किया हुआ, ये तो उस वक्त से एंग्री ही चल रहे हैं। तौकीर साहब शुरू से ही इन्होंने एंग्री पे रखा हुआ है इनको। मगर सर एक और चीज, आपने मेंटेन बड़ा किया अपने आप को, कोई रूटीन फॉलो करते हैं या आपका वेट हमने इधर ही देखा है हमेशा, मतलब जो आपने मुझे लगता है सूट 1970 में सिलवाया था वो आपको माशाल्लाह आज ही पूरा आता होगा, तो ये कैसे किया आपने? बस ये राज है,
क्या आर यू नॉट अ फूडी? खाने का आपको शौक वॉक नहीं है? नहीं, खाना क्यों नहीं है शौक, क्या मतलब है? इंसान नहीं हूँ मैं? नहीं, सुनो, कई लोग बहुत ज्यादा होते हैं खाने के अंदर इन। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि हर तरह की चीज मैं खाता हूँ। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हम जीते ही खाने के लिए हैं। वो फर्क है कि आप जीते हैं खाने के लिए या आप खाते हैं जीने के लिए। वो वाला आप में वो है। ठाकुर साहब भी है देखो ना, बिल्कुल बड़ी देर तो स्मार्ट मेरे ऑस्ट्रेलिया गए सन ते खाना खाते ही नहीं गए। सिंधी बिरयानी, अरे ना कर, आलू गो छोरबे वाले, भिंडी गो, ओए अच्छा। कराची गया ना, एक रेट थे, अच्छा उते रेट घट मिले। अच्छा, मैं बैठे डाला, मैं क्या अपने बेस्ट फ्रेंड को जाने ये, या फिर बिलावल हाउस, ठीक है, सारा फिरया मैं। ओके, किधर चले गए? सारा फिरया मैं बिलावल हाउस, ठीक है यार, जरदारी साहब है ही नहीं सन, ना करे, मेरा दिल बह गया। ओए शुक्र है, सामने एक बंदा आया, उन्हें क्या बेसमेंट में है होम थिएटर। ओके, गया फिर सीढ़ियां तो रुड़ता फर थले, ठीक है, आगे चल रही मौला जट। अच्छा, केड़ी मौला जट? द लेजेंड ऑफ मौला जट। अच्छा, नई वाली? ओए होए, सलाम कीता मैं जाके, ठीक है, अगर मन कहंदे ने सुन गड़न। ओके, ते नाल जमला अब्बासी ने आके जुमला बोलया, नवा है सोनिया, मारे ने फिर मेरे हाथ हाथ। वाह, मैंने कहना सी बड़ा नवा आया सी। ओ मैं क्या सर, वाकई गल थोड़ी पक्की है? नवा नौ दिन ते पुराना मैं क्या सर, वैसे बड़े वड्डे बाजीगर है गए। अच्छा, मैंने कहते ने बाजीगर डर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फैन पठान अंजाम इज इक्वल टू जीरो। समझ गया तुम? अच्छा, हाँ, मैं क्या सर, वैसे ना यकीन करो तारीख पलट देती है तुसी, लाइक फरारी, कहने नो फरारी इट्स जरदारी। यस, अच्छा, मैं क्या सर, एक जरदारी सब पे भारी, मैंने कहने ने यस, मैं क्या सर, फिर हो जाए हुण इलेक्शन, आई करके रिमोट चुके ने ते पड़क करके दबाया ने ते कहंदे ने पिक्चर अभी बाकी है। मैं क्या सर, हुण हो जाए भिंडी गोश्त, मंगाया ने फिर वो खादा मजेदार। अच्छा जी, मैं ते भिंडी गोश्त खा के बेहोश हो जाना। हां, लेकिन बड़ा मजा आया, तो थोड़ा प्रोग्राम कैसे जबरदस्त चल रहा है आज, हमें बड़ा जबरदस्त गेस्ट से ज्वाइन किया हुआ है। ओ माशाल्लाह, एडे अच्छे मेहमान बुलाने के जश्न ही नहीं। मेरे फैन है ने? आप इनके हो गए? मैं फैन है ना। नासर अदीब साहब? नासर अदीब नहीं है? नहीं, मैं कह जी नासर अदीब साहब, नासर काजमी साहब और तौकीर नासर साहब। मैं कहना सर, लै गए ने मेरा दिल भी काट के। अच्छा जी, भाई ऐसियां शख्सियतां पाकिस्तान च पैदा हुई हैं, आई लव पाकिस्तान। ओए होए सर, ईमान नाल बड़े कीमती लोग ने, लेकिन तुसी इन्हां नूं घट बुलांदे हो, वाए क्यों म्याऊं भाई, वो आते ही कम हो, कहते कम कम नजर नहीं सर, कभी कभी आया करो, कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े तुहानूं वेखना चाहुंदे ने सर। अच्छा, तुहाडे नाल दिल लगी करदे ने, तुहाडे वास्ते दुआवां करदे ने सर, आ जाया करो सर। मंगल बुद्ध सर? मंगल बुद्ध क्या मतलब है? क्या जिस दिन, दिन गोश्त का नागा, जिस दिन गोश्त का नागा होता है, मतलब उनको क्यों बुला रहे हो सर? मतलब सब्जी सुब्जी पका लेंगे तो माशाल्लाह, सुने बरजाई भी इस बार? कौन बरजाई? बरजाई नहीं, अरे नहीं, गौर से देखो, मैं सोच रहा भी यू वाली नहीं, नहीं नजर भी कमजोर है आपकी? नहीं नहीं नहीं, नजर भी नहीं, कहीं नजर ना लग जाए आपको। पूरी दुनिया च बड़े बड़े अफसर वेखे, एडा कमजोर अफसर मैं नहीं वेखिया। कल जेड़ा कड़ी दा सैलो तो ग्रंट पै गया। अच्छा, वैसे ये इस पतलून में ये उतरते कैसे? इतना माड़ा लोग इनू वेख के कहंदे पुलिस ने बहुत माड़ी होई। मैं सोशल मीडिया ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਫਾਲੋਅਰਸ ਆਨੇ ਹੈ, ਫਾਲੋਅਰਸ ਆਨੇ ਨੇ, ਫਲਾਵਰਸ ਆਨੇ ਨੇ, ਫਲਾਵਰਸ
के लिए पैसे भी तो दो ना भाई, मुफ्त में सेल्फी मैनू सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मॉडलिंग में पॉलिटिक्स को कितना फेस करना पड़ता है? मॉडलिंग में आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होती है, और वैसे होनी भी नहीं चाहिए, घर में बहुत हो जाती है। घर में हो जाती है पॉलिटिक्स? घर में हमारे तीन पार्टीज चल रही हैं, एक पीपीपी, पीटीआई और नून लीग। अच्छा, घर में भी तीन पार्टी है। तो वाँ वाँ। और ये कौन कौन लोगों ने कौन कौन सी किया हुआ है? अम्मा ने मेरी पीपल्स पार्टी, अम्मी के पास है, ठीक है। अब्बू तो मेरे पक्के नून लीग और मैं पीटीआई। एक इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है बड़ा पाकिस्तान के मुताबिक डेमोग्राफिक उन्होंने बयान किया कि ये जो है वो पीटीआई है जो एक नई वो है, अब्बा जो हैं उनके हाथ में फाइनेंसेस हैं तो वो नून लीग हैं, और जिनकी एक्चुअली में चलती है वो पीपल्स पार्टी है, यानी कि वालदा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पे पॉलिटिक्स फेस करती हैं, मॉडलिंग में नहीं करती। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है। मेरा सवाल तुकीर साहब से है, अगर शूटिंग के दौरान आप स्क्रिप्ट भूल गए हो तो आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? लाइंस नहीं भूली और बहुत कुछ भूल गए। अच्छा, अब वो मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, लेकिन ये याद है मुझे कि शूटिंग के दौरान हमारे साथ बड़े बड़े हादसे भी होते थे। मेरे हाथ की ये जो है ये ड्रामा था पाकिस्तान टेलीविज़न का, फील्ड में हम काम कर रहे थे, एक चट्टान पे मैं खड़ा हुआ था, कैमरामैन नीचे था, वो लो शॉट ले रहा था, वो मुझे कह रहा है कि तभी भाई थोड़ा सा आगे हो जाए, वो आगे हो गया, फिर कह थोड़ा सा और आगे हो जाए, अब थोड़ा सा और आगे हुए, जब तीसरा उसने कहा तो तीसरा वो पाँव ऐसे आगे किया तो पाँव जो है वो खला में चला गया। ज़्यादा आगे चले गए। वो झाड़ियाँ थी, घास था और वो नीचे ज़मीन ही नहीं थी, तो फिर ऐसे कलाबाजियाँ, और वो रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, तो वाकयात तो बहुत हैं। तो हमने तो काम किया, मेहनत की, मेहनत में खून भी था पसीना भी था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन और सबसे बड़ा जो हमारा प्राइड है, आज मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला है तो उसकी मुझे खुशी है, लेकिन मेरी असल खुशी तो ये है कि जब दूसरे मुल्क में मेरा नाम लिया जाता है और साथ पाकिस्तानी एक्टर लिखा जाता है। वाह 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 वाह। 2020 का आगाज करते हैं, तौकीर साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। सर, ये बताएं किसकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म में आप लीड कैरेक्टर करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मियां नवाज शरीफ। कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर। वैसे स्टोरी आपको लगता है किसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा? मार्जिन मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब के रोल में, जरदारी साहब के ऑटोबायोग्राफिकल में आपको ज्यादा मार्जिन मिल जाएगा। वेरिएशन ज्यादा है ना? ठीक है, वेरिएशन ज्यादा है। ओके सर, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा हमीद साहिबा और मोहतरमा बुशरा अंसारी। खौफ करो यार, ये कोई सवाल है यार? यार ये तो बात है यार। तो एक तरफ आपको बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन मिलेगी और एक तरफ आपको बहुत ह्यूमर और लाइटनेस मिलेगी, तो आप कौन सी साइड चूज करेंगे? नहीं, मैं हमारी अम्यूजमेंट हो ही नहीं सकती, इन दोनों का मैं एहतराम करता हूँ यार। जी है ना, तो मैं इनके साथ। चले मैं एक नाम और ऐड कर देता हूँ। हाँ, ऐड कर दे। जी, मोहतरमा सबा हमीद, मोहतरमा बुशरा अंसारी और मोहतरमा महवेश हयात। क्यों जी, ठीक है तीसरी वाली? महवेश हयात साहब, ठीक है। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें तीन लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा, ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। सबसे पहले बताएंगे सर, तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? फहद के साथ। फहद मुस्तफा के साथ तस्वीर हो गई सर, मुस्कुरा के किनको देख रहे हैं? मुस्कुरा के मैं अहमद भट्ट को देख रहा हूं। अहमद भट्ट को देख लिया और आखिरी ऑप्शन आपने रखा है ताबिश हाशमी को, ठीक है। सर, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो किसको आप चांद पर छोड़ना चाहते हैं फिलहाल? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महमूद असलम साहब और नुमान एजाज साहब। ओह माय गॉड। अच्छा, महमूद असलम इज आई थिंक मोर सूटेबल टू बी लैंडेड देयर, ही विल क्रिएट हिज ओन वर्ल्ड।
अच्छा या आई नो दैट ठीक है तो आई थिंक उसमें पोटेंशियल है तो महमूद असलम को वहां पे कर दिया ही डिजर्व ठीक है सर ये बताइए टाइटैनिक फिल्म तो आपने देखी होगी टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप दो वीआईपी पास हैं आपके पास एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और सबा कमर सबा कमर होंगी वो ठीक है सर डूबती कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैशा सदीकी और आयशा यार ये लड़ाई कराने लगे हैं जनरल नॉलेज ठीक है जनरल नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज भी जरा जायका तो चखे ना क्या है सर आपके लिए आसान कर देता हूँ पाकिस्तान नेशनल असेंबली की पहली खातून स्पीकर का नाम क्या है मिसेस जो जीडीए में है मिर्जा साहब की मिसेस फहमीदा मिर्जा साहब जी मैंने वहाँ पे उनके साथ काम इफ ही वाज स्पीकर देयर जी जी व्हेन आई वाज डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन अच्छा तो इस वजह से आपको याद था ठीक है बचत हो गई आप दोनों बच गई भाई वो निकल गए हैं कैसा आपकी बारी है ये बताइए मैडम किसकी स्पीच टेलीविजन पे आ रही हो तो आप बार बार सुनेंगी किसकी स्पीच आ रही हो तो आप एक बार सुनेंगी और किसकी स्पीच आ रही हो तो आप फिलहाल कमरे से निकल जाएंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो जनाब हमजा शहबाज और जनाब शाह महमूद कुरैशी ये तो बिल्कुल गलत है इमरान खान क्यों नहीं है बीच में ये तो बिल्कुल देख लें फिर आप तो बताएं किसकी स्पीच बार बार सुनेंगी बिलावल की स्पीच बार बार सुनेंगी इसकी समझ ही नहीं आया नहीं तो सुनना ही बेहतर है गुड किन की एक बार सुनेंगी हमजा शहबाज और किसकी आ रही हो तो आप... अब्बू की वजह से सुननी पड़ेगी ना अब्बू ने लगाया वो और आप जो कमरा छोड़ के जा रही हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जी ऑफ कोर्स नहीं मगर वो तो पीटीआई की फॉलोअर थी नहीं नहीं मतलब अभी तो सब कुछ जंग चल रहा है ना सब सिर्फ इमरान खान चाहिए शाह साहब की स्पीच नहीं सुननी भाई ये ऑडियंस भी यही कह रही है सब कुछ छोड़ जाए हमें इमरान खान चाहिए ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई तीन लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफा फवाद खान और अली जफर तो सेल्फी किसके साथ है फवाद स्माइल किनको दे रही हैं फहद और फ्लोर आ चुका हुआ है अली जफर का टाइटैनिक पे जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब राणा सनाउल्लाह मैं उतर जाती हूँ दोनों के पेज में आपका तो वही है आपके नाम पे निकला मैं पास छोड़े क्या करना आप नहीं जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे बिल्कुल भी नहीं ओके मौलाना फजल रहमान मौलाना फजल रहमान होंगे टाइटैनिक के ऊपर एंड हिज हार्ट विल गो ऑन ठीक है दूध की कश्ती में सवार हैं दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तौकीर नासिर साहब और इमरान खान साहब होए होए ये तो वैसे बहुत गलत बात है ट्रिकी क्वेश्चन तो बहुत जाना पड़ेगा जनरल नॉलेज पे नहीं क्वेश्चन चेंज करें ना क्वेश्चन नहीं मैं चेंज कर सकता आपके पास एक जमहूरी हक आपका जनरल नॉलेज है या फिर आप जवाब दे दें इसमें क्वेश्चन चेंज ना करवाएं बस थोड़ा सा तो फासला है आप मेरी जैकेट ले लें नहीं वो आपकी जैकेट नहीं एक ही जैकेट है वही आपको देनी है उन्होंने भी दी थी मुझे जैकेट नहीं चाहिए नहीं नहीं आप ये जितनी ऑप्शंस हैं ये हम सब कर चुके हुए हैं इसलिए ये ऑप्शंस है ही नहीं जैकेट होना दे दे तुसी कंबल ले लो इमरान खान ओए होए सर इमरान खान साहब बहुत मैंने मैच बहुत डाला था और पड़ा भी मैच बड़ी गाल है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो केशव आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू इट वाज लवली हैविंग यू ओवर ऑनर्ड वासे ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू